वेलकम टू SPH ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम आप लोगों के लिए लोकल अट्रैक्शन का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। जब हमारा कोई बियरिंग RB में दिया है गया हो तो हम इसका लोकल अट्रैक्शन करेक्ट बियरिंग कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम WC में क्वेश्चन दिया रहता था, एक क्वेश्चन तो हम लेके आए हैं और RB में दिया है, इसका हमें लोकल अट्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक, किन किन स्टेशनों पे हमारा अस्थायी आकर्षण है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बंद माला रेखा के लिए निम्न दिक्मान प्रेक्षित किए गए हैं। ठीक है, इधर लाइन है, AB है, BC है, CD है, DA है, 4B रिंग दिया है, Y रिंग दिया है, ठीक है, A दिया है। ठीक, तो सही अग्र व पश्च दिक्मानों की गणना करें तथा अंकित करें कि कौन कौन बिंदु अस्थायी आकर्षण से प्रभावित है। ठीक है, चलिए हम पहले देख लेते हैं कौन स्टेशन हमारा अस्थायी आकर्षण से प्रभावित नहीं है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साउथ 45° 30' ईस्ट है। ठीक है, इसका बाय बीरिंग देख लेते हैं, नॉर्थ 45° 30' वेस्ट है। ठीक है, मतलब ये देख रहे हैं हमारा, ये इसका 4B रिंग, इसका Y 1 बीरिंग सही दिख रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब ये हमारे लोकल एक्सेशन से प्रभावित नहीं है। यहाँ दूसरा देख लेते हैं, साउथ 60° 0' ईस्ट, नॉर्थ 60° 40' वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा इसकी 4B रिंग बाइक बीरिंग से अंतर दिख रहा है। ठीक है, इसका हम बाइक बीरिंग बनाएंगे तो यहाँ नॉर्थ 60° 00' वेस्ट होगा, मतलब यहाँ पे हमारा एरर है। ठीक है, चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं कन्वर्जन में 4B रिंग को बाइक बीरिंग कैसे चेंज करते हैं। अगर हमारा कोई RP में दिया है तो सिर्फ हमें डायरेक्शन चेंज करना होता है, जहाँ साउथ है वहाँ नॉर्थ कर देंगे, जहाँ ईस्ट है वहाँ वेस्ट कर देंगे। ठीक है, वेस्ट है तो ईस्ट कर देंगे, साउथ है नॉर्थ है तो साउथ कर देंगे। चलिए इसको कैसे लगाया जाता है। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न में सभी दिक्मान चतुर्थांश प्रणाली में दिए गए हैं। ठीक है, माला रेखा के दिक्मानों का अवलोकन करने से पता चलता है कि रेखा AB ठीक है कि अग्र व पश्च दिक्मानों के मान वैल्यू समान है लेकिन दिशा बदली हुई है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखा AB के दोनों ठीक है बिंदु A था B से लिए गए पाठ्यांक दिक्मान अस्थायी आकर्षण से मुक्त हैं। ठीक है भाई, देखिए अगर हमारा AB है, AB अगर 4B रिंग बाइक बीरिंग हमारा सही है, ठीक है, हमारा A और B स्टेशन से जो जो कोण लिया गया वो हमारा सही होगा। ठीक है, इसे AB स्टेशन से हमारा क्या है, ये इसका 4B रिंग लिया गया, इसका बाइक बीरिंग लिया गया, ठीक है, और इसका 4B रिंग लिया गया और ए का बाइक बीरिंग हमारा ए लिया गया, मतलब ये चारों स्टेशन हमारा फ्री होंगे। ठीक है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। अब हमारे यही बी और सी डी में दे, बी हमारा मुक्त है, सी और डी में देख लेते कौन प्रभावित है। ठीक है, सी और डी प्रभावित है, चलिए निकालते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए 4B रिंग ऑफ लाइन AB साउथ 45° 30' ईस्ट करेक्ट। ठीक है, बैक बीरिंग ऑफ लाइन AB साउथ का नॉर्थ 45° 30' वेस्ट करेक्ट है, गिवन ही है। देन 4B रिंग ऑफ लाइन BC साउथ 60° 0' ईस्ट आल्सो करेक्ट। ठीक है, ये वाला चीज ठीक है, ये वाली चीज करेक्ट है, बट
अब यहाँ बैक बीरिंग ऑफ लाइन बी सी, बी सी का बैक बीरिंग हमारा यहाँ कितना है 60 एंड 40 मिनट, और बैक बीरिंग निकालते कि फोर बीरिंग हमारा सही है यहाँ पे, ठीक है, फोर बीरिंग हमारा 60 एंड 0 मिनट ईस्ट है, करेक्ट है। तो बैक बीरिंग इसका क्या निकलेगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, 60 एंड 0 मिनट वेस्ट, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट करेक्ट है, मतलब एक करेक्ट बीरिंग निकला हमारा। बट गिवन बैक बीरिंग ऑफ लाइन बी सी, बी सी का जो बैक बीरिंग दिया है वो हमारा क्या दिया है, नॉर्थ 60 एंड 40 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 60 एंड 40 मिनट वेस्ट, एक क्या है हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। सो इरर इन स्टेशन सी, सी में इरर कितना है हमारा देख लेते हैं, नॉर्थ 60 एंड 40 मिनट वेस्ट माइनस नॉर्थ 60 एंड 0 मिनट वेस्ट, ठीक है, इरर कितना है प्लस 0 एंड 40 मिनट वेस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है इरर आया, ठीक है। देन इरर इन पॉजिटिव प्लस नॉर्थ 0 एंड 40 मिनट वेस्ट, ठीक है, देयरफॉर करेक्शन इज निगेटिव, अगर पॉजिटिव आया ही रहा तो हमारा करेक्शन इज निगेटिव कितना होगा, नॉर्थ 0 एंड 40 मिनट वेस्ट, ठीक है। देन फोर वीरिंग ऑफ लाइन सी डी, सी डी फोर वीरिंग क्या, ओल्ड गिवन फोर वीरिंग प्लस इरर, ठीक है, ओल्ड गिवन फोर वीरिंग दिया कितना, साउथ 5 एंड 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये दिया है साउथ 5 एंड 30 मिनट ईस्ट, फिर इरर हमारा कितना है साउथ 0 एंड 40 मिनट ईस्ट, देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्थ 0 एंड 40 मिनट वेस्ट, ये हमारा बैक बीरिंग था, तो यहाँ फोर बीरिंग में करेंगे हमारा, तो इसको फोर बीरिंग चेंज करना होगा, ठीक है, नॉर्थ को साउथ कर देंगे और वेस्ट को ईस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे हम निकाल लेते तो आया कितना हमारा घटा के साउथ 40 एंड 50 मिनट ईस्ट, ठीक है, ईस्ट करेक्ट। तो बैक बीरिंग ऑफ लाइन सी डी, सी डी बैक बीरिंग कितना आएगा, नॉर्थ 40 एंड 50 मिनट वेस्ट, ये साउथ है इसका नॉर्थ हो जाएगा 4 एंड 50 मिनट ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट करेक्ट, ठीक है। बट गिवन बैक बीरिंग ऑफ लाइन सी डी, जो सी डी का बैक बीरिंग दिया गया है कितना, नॉर्थ 30 एंड 20 मिनट वेस्ट, ठीक है, इस इनकरेक्ट है। तो इरर इन स्टेशन डी में इरर कितना आ गया, नॉर्थ 3 एंड 20 मिनट वेस्ट माइनस नॉर्थ 4 एंड 50 मिनट वेस्ट, तो इरर कितना आया हमारा माइनस 1 एंड 30 मिनट वेस्ट, ठीक है। देन इरर इन निगेटिव माइनस 1 एंड 30 मिनट, ठीक है, देयरफॉर करेक्शन इज पॉजिटिव प्लस 1 एंड 30 मिनट वेस्ट, ठीक है। फोर बीरिंग ऑफ लाइन डी ए, रबर ओल्ड गिवन फोर बीरिंग प्लस माइनस इरर, ठीक है, नॉर्थ हमारा ओल्ड गिवन फोर बीरिंग कितना है यहाँ पे, नॉर्थ 83 एंड 30 मिनट वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे 83 एंड 30 मिनट वेस्ट, हमारा इरर निगेटिव आया है तो हमारा करेक्शन पॉजिटिव होगा, प्लस नॉर्थ 1 एंड 30 मिनट वेस्ट, यहाँ पर हम चेंज इसलिए नहीं किए कि हमारा फोर बीरिंग हमारा नॉर्थ और साउथ वेस्ट में दिया है, इसलिए हम इसे कन्वर्ट नहीं किए, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, नॉर्थ 85 एंड 0 मिनट वेस्ट, इज करेक्ट, ठीक है। तुम्हारा बी बैक बीरिंग ऑफ लाइन डी ए कितना आ गया, नॉर्थ का साउथ 85 एंड 0 मिनट ईस्ट, इज करेक्ट, इज चेक हो गया, देखिए हमारा बैक बीरिंग आ गया यहाँ पे साउथ 85 एंड 0 मिनट ईस्ट, इसका मतलब हमारा ये प्रोसेस जो भी हम किए अभी सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग लगाइएगा, नंबर मिलेंगे, ठीक है। और कोई इस पे क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।